परम पूजनीय स्वामी जी, विशिष्ट अतिथि गण और प्यारे बच्चों, इस साल कुछ महीने पहले स्वामी जी मेरे घर आए थे। मैंने कभी उनको इतना उदास और मायूस नहीं देखा। उनके आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे और उन्होंने मुझे पूरा जो दुखद घटना यहाँ पिछले साल हुई थी वो बताई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपको और स्वामी जी को, सेना के अंदर जब हम हमले को जाते हैं तो हमारे बहुत नुकसान होता है, नुकसान उठाना पड़ता है। मैं खुद लड़ाई में रह चुका हूं, कई एनकाउंटर्स में गया हूं, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे साथी शहीद हुए हैं, कईयों को चोट लगी, गोली लगी, बर्स्ट AK-47 के लगे, एक जगह तो अंतड़ी बाहर आ गई थी मेरे लड़के की, जवान की, और वो हाथ से बेचारा अपनी अंतड़ी खींच रहा था। ये भयावह दृश्य हमने देखे हैं। आपके ठीक सामने लेफ्टिनेंट जनरल मेहता साहब हैं, वो पैरा ट्रूपर्स हैं। पैरा ट्रूपर्स को एक उनकी एक रस्म होती है, एक उनकी ड्रिल होती है। 3000 फुट से छलांग मारते हैं पैरा ट्रूपर, केवल इस विश्वास पे कि मेरी छतरी खुल जाएगी। 3000 फुट से छलांग मार देता है पैरा ट्रूपर, फौज का पैरा ट्रूपर, इसी विश्वास पे कि मेरी छतरी खुल जाएगी और मैं नीचे जाके अपने दुश्मन से लड़ूंगा। कई बारी हादसे भी होते हैं, छतरी नहीं खुलती और उसको बोला जाता है रोमन कैंडल। हिसाब लगाइए, जो इंसान 3000 फुट से गिरा है उसकी तो हड्डियां उसके कंधों से बाहर आ जाती, पांव की हड्डियां, टांग की हड्डियां, इतना जोर का इंपैक्ट होता है, कुछ बचता नहीं जिस्म का। लेकिन जब भी ऐसा हादसा होता है तो हमारे पैरास की और दुनिया भर के पैरा ट्रूपर्स की ड्रिल है कि पूरी की पूरी स्टिक जो उस जहाज में थी उसे एकदम दोबारा एयरफील्ड ले जाया जाता है और उसी दिन वो दोबारा जंप करते, ताकि उनको कभी झटका ना लगे, उनके मन में डर ना बैठ जाए कि ये मेरे साथ भी हो सकता है, हो जाए कुछ भी हो जाए, वो दोबारा जंप मारता है, उसी दिन दोबारा जहाज में बिठा के उड़ा के 3000 फुट से फिर बोलते हैं सबके सब एक के बाद एक गो है। और ठीक इसी तरह मैं आपको अपना व्यक्तिगत कहानी बताना चाहता हूं। मेरे बड़े भाई साहब थे, बहुत टॉल हैंडसम, बहुत अच्छे क्रिकेटर, बहुत पॉपुलर खिलाड़ी, वो सेना में भर्ती हुए और सन 1965 में वो 11th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में कैप्टन थे और बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत होनहार थे, काफी उम्मीद थी कि वो ऊपर जाएंगे। 1965 के युद्ध में हम लोग, सितंबर का महीना था, पूरी खानदान, पूरा घर चिंतित था। रोज रात को, उन दिनों टीवी शीवी नहीं होता था, हम लोग रेडियो ऑन करके बैठ के सुनते रहते थे। तो वो मेरे पिताजी को भजन सुनने का बहुत शौक था, तो मेरे भाई साहब जो थे वो मेरे पिताश्री के लिए एक टेप रिकॉर्डर लाए थे, उन दिनों का छोटा टेप रिकॉर्डर स्पूल वाला, तो उस पे बैठ के खबरें सुनने के बाद वो भजन सुन रहे थे। एकदम से बाहर आवाज आई पोस्टमैन, और वो बाहर दौड़े हुए, वो बाहर गए और वो दौड़ते हुए अंदर आए और ऐसे मत्थे पे हाथ मारा और सबसे पहले वो टेप रिकॉर्डर बंद किया और वो सिर पकड़ के बैठ गए, कुछ नहीं बोले। तो मैंने उनसे, मैं हैरान हो गया, मैंने कहा, मेरी माँ आई, बोले क्या हो गया, वो बात नहीं कर रहे। तो मैं उनके पास गया, पिताजी क्या हुआ, हुआ क्या? तो माता ने पूछा कि क्या कोई खबर रेडियो पे तो नहीं आई ऐसी? मैं कहा नहीं, रेडियो पे तो खबर ठीक थी, कुछ ऐसा नहीं था। तो फिर उनसे पूछा क्या है, तो उन्होंने मेरे को वो टेलीग्राम थमा दिया, रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर सन ईसी सो-एंड-सो किल्ड इन एक्शन, बस आपका बेटा शहीद हो गया, हमें खेद है आपको इन्फॉर्म करते। मतलब ये एक इतना सा गुलाबी टेलीग्राम के ऊपर एक लाइन आती है
और वो एक जिंदगी खत्म कर जाती। बहुत रोना धोना हुआ, सारे जो नेता गण थे कहां कहां के वो हमारे घर पहुंच गए। ठीक है साहब, लेकिन आप जानते हैं हमारे जैसे वर्दी वाले, कोई भी रंग हो वर्दी का, खाकी, नीला, हरा, सफेद, कॉमेफ्लाज पैटर्न, सब जानते हैं कि जिस साल शहादत होती है, जिस महीने शहादत होती है, तो पूरी दुनिया आपके घर टूट आएगी। हर कोई जताने आएगा कि साहब मैं वहां था, मैं वहां गया। और उस दिवाली हमारे घर बिल्कुल अंधेरा था, ना कोई आगे पूछने वाला, ना कोई पीछे पूछने वाला। होली में हम लोग चुपचाप बैठे थे। ये हम फौजियों की, वर्दी वालों की फितरत है, कोई बात नहीं। उसी साल 65 में मेरे बड़े भाई साहब शहीद हुए और 66 में बच्चों मैंने चुपचाप से बगैर मां बाप को बताए अपना एनडीए का एंट्रेंस टेस्ट के लिए मैंने भर के फॉर्म भेज दिया। उसी अगले साल सितंबर 1965 में भाई साहब की शहादत हुई थी, अगले साल हमने वो भर के भेज दिया। और जब रिटन एग्जाम का टाइम आया तो मैंने बोला मैं दोस्त को मिलने जा रहा हूं। मैंने वैसे झूठ नहीं बोला, मैं फौज में दोस्तों को मिलने तो जा रहा था, तो मैं दिल्ली जाके इम्तिहान दे आया। और जब वापस आया तो मैं रिटन में थ्रू हो गया। तो बच्चों मेरे को उस वक्त बताना पड़ा घर में कि अब मेरा एसएसबी का टाइम आया, और एसएसबी का कॉल आया मैसूर में। तो मतलब वहां ये भी नहीं सट्टा मार सकते थे कि मैं दोस्त को मिलने जा रहा हूं, क्योंकि मैसूर में मेरा कोई दोस्त नहीं था उस वक्त। और हम वहां गए तो जब फादर को पता चला तो वो तो बरस पड़े। वो बोले यार मेरे खानदान ने ठेका ले रखा है कि एक के बाद एक हम अपने लड़के भेजे मरने के लिए, और खानदान खत्म हो गए क्या, उनके लड़के नहीं है ये वो। मैंने कहा पिताजी मैं और खानदानों से मुझे क्या लेना, मैं तो फौज में जा रहा हूं। बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि मेरे भाई की लाश की दुर्गति हुई है, और जिस सिपाही के साथी की या भाई के लाश की दुर्गति हो उसके लिए अनिवार्य है कि वह बदला ले अपने दुश्मनों से। मैंने कहा आप मेरी किस मुंह से चिता जलाएंगे जब तक हम अपने माथे पे ये लगा कलंक नहीं हटाएंगे कि हमारे भाई की लाश के साथ दुर्गति करी, चीथड़े उड़ गए उस लाश के। तो साहब मैं अपने रिटन एग्जाम के लिए गया, ठीक है साहब, और वो पास हो गया। अब वो एसएसबी के लिए जाना था, तो फादर बहुत विचलित हुए। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, मैं ज़्यादातर टाइम लाइब्रेरी में गुजारता था, मेरे कपड़ों पे स्याही लगी रहती थी वो टर्नआउट भी ठीक नहीं होता था। तो फादर ने बोला तू तो फौज में भर्ती हो ही नहीं पाएगा, तू सिलेक्ट नहीं होगा, तू कर ले कोशिश। वो चाहते थे कि मैं आईएएस में जाऊं, मैं बाबू बनूं, मैं अच्छी नौकरी करूं, सेक्रेटरी बनूं कहीं। तो उन्होंने बोला तू जा, तू होगा नहीं, लेकिन और तेरा अच्छा है, तेरा ड्राई रन हो जाएगा आईएएस की इम्तिहान के लिए। और हर एक बाप को शौक होता है अपने अपने बेटों से, तो उनका सोच था कि मैं आईएएस के इम्तिहान में थ्रू होके सेक्रेटरी बनूंगा, एक बेटा आईएएस में भेजेंगे, तो तू पास ही नहीं होगा। जब बच्चों रिजल्ट आया तो मैं पूरे इंडिया में ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में नंबर 2 था। और अब मैंने पिताश्री से बोला कि पिताश्री अब तो जाने दीजिए, तो उनको मन मार के हमें फौज भेजना पड़ा। और देखिए किस्मत, मेरा बैच है 1971 का बैच, ठीक है, 1971 द बैच ऑफ 71। हमको 14 दिसंबर 1971 को कमीशन मिलनी थी। अक्टूबर में IMA के अंदर इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून हमारे जो एडजुटेंट साहब ने हमें बुलाया और बोला कि बच्चों तुम्हारी जेंटलमैन कैडेट्स आपकी ट्रेनिंग बहुत हो चुकी, आपको एक महीना पहले कमीशन किया जाएगा, बड़े लड़ाई होने का अंदेशा है, हम चाहते हैं कि आप लड़ाई में हिस्सा लो। और हम लोगों को 14 नवंबर 1971 को कमीशन मिली, 10 दिन की छुट्टी मिली माँ बाप को मिलने। आप अंदाज लगा सकते हैं मेरे माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। अभी कुछ साल पहले उनका बड़ा बेटा 1965 के युद्ध में शहीद हुआ था।
और उसके ठीक 6 साल बाद उनका दूसरा बेटा युद्ध में जा रहा था। तो खैर उन्होंने कुछ नहीं कहा, भगवान के भरोसे छोड़ दिया, और माँ ने भी कहा बेटा आशीर्वाद, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, अपना फर्ज करो, गो एंड डू योर ड्यूटी। हम लोग रेलवे स्टेशन पे उतरे और हमारे जवान वहां खड़े थे, उनके कंधों पे बंदूकों पे संगीन लगी हुई थी बगैर स्कैबर्ड के, और चमचमा रही थी वो सर्दी की धूप में, ठीक है साहब, और सील हेलमेट सबने डाली हुई थी, पूरा सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन भरा हुआ था इन लोगों से। और हम जैसे ही उतरे तो हम कोई 20-25 थे मेरे बैच के, हम एक दूसरे को गले मिल रहे थे कि शायद आखिरी बार मिल रहे हैं। लेकिन साहब उस वक्त हमारे जवान आए, बोले साहब जल्दी करो, पलटन तो बांग्लादेश में है, ये बाद में मिल लेना। बोले सामान सामान, बोले साहब सामान आ जाएगा, ये स्टील हेलमेट पकड़ो और ये है आपकी स्टैंड मशीन कार्बाइन, इसका साहब वो स्कैबर्ड उतार लेना, कहीं भी रास्ते में जरूरत पड़ सकती है। अपनी सर्विस की पहली रात हम लोग लड़ाई में थे, मेरे कितने सारे साथी शहीद हुए, कितनों की टांगे गई, कितनों के हाथ गए, प्लास्टिक की टांग पे लंगड़ा थे चलते हैं वो आज। लेकिन बच्चों हमको बड़ा फख्र है कि मात्र 13 दिन में हमारी फौजों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। हमारी फौजें 3 तरफ से बढ़ती हुई 550 किलोमीटर का लंबा फासला पार करती हुई 4-5 महानदियां पार करी, गंगा, पद्मा, ब्रह्मपुत्रा, 6-8 किलोमीटर चौड़ी नदियां हेलीकॉप्टरों से पार करी। हमारे छाता सैनिक पैराट्रूपर्स तांगेल पे उतारे गए। मेरा बैचमेट था 2nd लेफ्टिनेंट लाली गिल, उसने कभी जंप नहीं किया था, पैरा ट्रेनिंग ही नहीं हुई थी, और उसको बोला गया, और वो वहां पे जब पलटन जा रही थी तो सीओ ने बोला तूने तो पैरा जंप नहीं किया है, ट्रेनिंग नहीं की है, लाली गिल तुम नहीं जाओगे। कोई और होता तो बोलता हाँ चलो यार खैर मनाई, घर जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। लेकिन वो लड़का 21 साल से भी कम उम्र, वो अपने सीओ के पास गया, बोला सर आपको मुझ में विश्वास नहीं, क्या हुआ अगर मैंने पैरा ट्रेनिंग नहीं करी, लेकिन मैं कूदूंगा लड़ाई के मैदान में, सर आई विल नॉट लेट माई बटालियन डाउन। आप बताइए सर मैं कैसे अपने जवानों के आंखों में आंखें डाल के देखूंगा अगर वो बोले कि साहब आप तो लड़ाई से पीछे हट गए थे। मैं पीछे हटने का लाचन नहीं लेना चाहता सर, मैं कूदूंगा, कुछ नहीं होगा मुझे। तो उसने बोला ओके लाली, ओके सन, यू विल जंप। और पहला जंप अपनी जीवन का, बगैर ट्रेनिंग के, बगैर कुछ, लोगों ने उनको समझाया और वो जहाज से 3000 फुट से छलांग मारी, और जब वो नीचे उतरे तो सही सलामत और लड़ाई में बड़ा बखूबी से हिस्सा लिया। तो ये हम फौजियों की फितरत है कि जब भी कोई दिक्कत आती है, युद्ध में नुकसान होता है, तो फौज कभी रुकती नहीं, फौज चलती जाती है, फौज हमले में लगी रहती है। और इसीलिए हमने स्वामी जी से निवेदन किया कि स्वामी जी आप ये धर्म युद्ध नहीं छोड़िए, ये हर साल गुजरात की पावन भूमि में एक यज्ञ होता है, एक हवन होता है देश की एकता का, और कहां कहां से, लद्दाख से बच्चे आए हैं, तमिलनाडु से बच्चे आए हैं, गुजरात के बच्चे हैं, पंजाब, कश्मीर, बंगाल, पूरे देश भारतवर्ष से यहां बच्चे एकत्रित होते हैं हर साल, और इस साल भी नुकसान के बावजूद आप यहां आए हैं। जैसे कि फौजें वापस मैदान जंग में आती हैं चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, यह यज्ञ नहीं रुक सकता स्वामी जी, ये इस देश को जोड़ने का यज्ञ है। और मुझे आज इतनी खुशी है आज कि मैं बयान नहीं कर सकता, हाँ हमारा नुकसान हुआ, हाँ हमको रोना पड़ा, हमें दुख हुआ, लेकिन मुझे खुशी है कि एक सेना की तरह हमारे बच्चे फिर वहां आए हैं। कभी डरना नहीं, कभी हार नहीं माननी, निरंतर आगे बढ़ना ही एक फौज की, एक जवान की निशानी है।
निरंतर आगे बढ़ता रहता है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, कभी मायूस नहीं होता, कभी मोरल डाउन नहीं करता, कभी हथियार नहीं छोड़ता, निरंतर आगे चलते रहो, चलना ही जिंदगी है। बच्चों, हमारे देश में अगर एक चीज की जरूरत है तो वो है एकता की, यूनिटी की। हम हिंदुस्तानियों में कोई कमी नहीं, कोई सानी नहीं हिंदुस्तानी दिमाग का। क्या तुम जानते हो आधा नासा हिंदुस्तानी साइंटिस्ट से भरा? क्या तुम जानते हो सिलिकॉन वैली आधे स्टार्टअप हिंदुस्तानियों ने किए हैं? क्या तुम जानते हो अमेरिका के सबसे बड़े बड़े डॉक्टर और जो वहां पे स्पेशलिस्ट हैं वो भारतीय हैं? भारतीय दिमाग सबसे आला दिमाग है इस दुनिया में, लेकिन हम में एक कमी है, हम में एक कमी है। और क्या कमी है? एकता की। मैं आपको बताता हूं, आप कभी देखो एशियाड की खेलों पे, कॉमनवेल्थ की गेम्स में बॉक्सिंग का मेडल कौन जीतता है? भारतीय। कुश्ती का मेडल कौन जीतता है? भारतीय। राइडिंग का मेडल कौन जीतता है? भारतीय। शूटिंग का मेडल भारतीय। घुड़सवारी का मेडल भारतीय। वेटलिफ्टिंग का मेडल भारतीय। ये तमाम इंडिविजुअल गेम्स हैं। जहां टीम गेम का सवाल आता है, हम लोग हॉकी में भी पिट जाते हैं, हम लोग बास्केटबॉल में मार खाते हैं, फुटबॉल तो हम कोई खास खेलते ही नहीं। तो क्या कमी है? कमी ताकत की नहीं, कमी हिम्मत की नहीं, कमी दलेरी की नहीं, हुनर की नहीं, कमी है एकता की। कमी है, आप इकट्ठे हो ही नहीं सकते। मैं एक चुटकुला सुनाता हूं बच्चों, हाँ सुनोगे? एक मैं आपको छोटी कहानी सुनाता हूं गुजरात की, हमारे गुजरात की। यहां पे एक बिजनेसमैन थे, वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, बड़े शातिर दिमाग था उनका, गुजरातियों से बिजनेस में कोई सानी नहीं दूसरा। तो उन्होंने साहब केकड़ों के एक्सपोर्ट की बिजनेस चालू करी। किसके एक्सपोर्ट की? केकड़ा। केकड़ा देखा है ना आपने समुद्र में जो होता, केकड़ा। हाँ, तो केकड़ों के एक्सपोर्ट की बिजनेस चालू करी साहब, और कुछ ही देर में वो करोड़पति बन गया। तो एक मैगजीन वाली बिटिया हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंट थी, संवाददाता, वो उनके पास गई कि सेठ जी आपकी जो सक्सेस का राज क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? तो बोला अरे साहब ये ऐसा है कि मैं जिंदा क्रैब एक्सपोर्ट करता था, तो हम लोग क्रैब को ना, केकड़े को प्लाईवुड के बक्सों में डाल के एक्सपोर्ट करते थे। तो मैंने क्या किया, जो वो ढक्कन होता है ना प्लाईवुड का, मैंने वो उठा के फेंक दिया, ढक्कन फेंक दिया, और बगैर ढक्कन के मैंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया जिंदा केकड़े। तो मेरे को देखो कितना प्रॉफिट हुआ, हर कंसाइनमेंट में मेरा इतना पैसा कम लगा, मेरे कंपेटिटर मेरा मुकाबला नहीं कर पाए, और मैं साहब पूरा मैदान मार लिया, पूरी मार्केट मेरी, और थोड़ी देर में साहब मैंने इतना कमा लिया। तो बोले साहब बाकी सब तो ठीक है, अरे सेठ जी एक चीज समझ नहीं आई। बोले क्या? बोले आप बोले ना जिंदा केकड़े। बोले हाँ जिंदा। तो बोले वो खुले बक्से में भेजे क्या? वो केकड़ा ऐसे 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 करके बाहर नहीं निकल गए? बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो हिंदुस्तानी केकड़े, अगर एक केकड़ा ऊपर जाएगा तो 10 उसको खींचेंगे, तू कहां चला? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? 10 केकड़े उसकी टांग खींचेंगे, तू जा कहां रहा है हमें छोड़ के। और ये देखो आप हमारी अपनी आए जिंदगी में यही चीज है जो हमें मार डालती है। जब सिकंदर ने हमला किया, पोरस उसके खिलाफ लड़ा, उसकी फौज उससे आधी थी, उसने उसके दांत खट्टे कर दिए, लेकिन उस समय अंभीराज जो उसके साथ वाला राजा था, वो सिकंदर के पास पहुंच गया फलों के टोकरे लेके, जैसे कि अपनी बेटी की शादी सिकंदर से करनी हो, फलों के टोकरे लेके कि मैं आपके साथ, बस तेरे पोरस को मारो। और वो उसने साथ दिया, अपने हाथी अलेक्जेंडर को दिए, और हमारे पोरस को हारना पड़ा। कोई नई कहानी है? जयचंद कौन था? जयचंद का जीन हमारे अंदर, एक जीन है गद्दारी का, देशद्रोह का, और हर हर कभी
जब भी आप कुछ कर रहे हो, कोई युद्ध हो रहा हो, एक जयचंद निकल आता है, एक विभीषण निकल आता है, एक अम्भीराज निकल आता है, एक मीर जाफर पैदा हो जाता है, एक मीर जाफर पैदा हो जाता है, और वो धोखाबाजी करता है और उसके धोखे से हमें हार सहनी पड़ती है। बच्चों, तुम कभी एक चीज मत भूलना, एक चीज गिठान बांध के रख लो, इस बुढ़े सिपाही से सुन लो कि आठ सदियों इस देश पर हमारे दुश्मनों का राज रहा है। 800 साल, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हमारे शहर जला दिए गए, दिल्ली के अंदर खूनी दरवाजा पे हमारे औरतें बच्चों के मुंडों के ढेर लगा दिए काट काट कर, हमारी औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उन्हें वेश्याएं बनाकर बेचा गया बुखारा के बाजारों में, काबुल के बाजारों में, तुम्हारी माओ बहनों को, तुम्हें शर्म है? उसके बाद भी तुम अहिंसा की बात करते हो? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ? अहिंसा? कैसी अहिंसा? कैसी अहिंसा? कौन सी अहिंसा? जब दुश्मन तुम्हारे घर जला रहा है, तुम्हारे मंदिर फोड़ रहा है, तुम्हारे शहरों को तहस नहस कर रहा है, तुम्हारी औरतों की इज्जत लूट रहा है, तुम अहिंसा की बात करोगे? केवल सौ साल चीन के ऊपर विदेशियों ने आक्रमण किया और हावी हुए, केवल 100 साल। पिछली सदी जो चीनी है वो इसको हमारी बेइज्जती की सदी बोलते हैं, और उन्होंने कहा, प्रण किया कि एक बार हो गया फिर कभी नहीं होगा। किसने हमला किया था चीन पर? मंगोलों पर, मंगोलों ने किया था। आज इनर मंगोलिया चीन के टांग के तले रौंद दिया गया, शिनजियांग के मुसलमानों ने उन पे हमला किया था, खजाक्स ने हमला किया था, शिनजियांग पे आज चीन का कब्जा है, तिब्बतियों ने हमला किया था चीन के ऊपर, आज तिब्बत पर चीनियों का कब्जा है। यह जवाब है एक लड़ाका सिविलाइजेशन का। और हमारे यहां, अरे साहब, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा परमो धर्म, उसका अगला श्लोक क्या है? लेकिन अगर धर्म के बचाव के लिए लड़ना पड़े तो वो उस अहिंसा से ज्यादा अच्छा। जब अपने अपने कर्तव्य के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए आपको लड़ना पड़े तो वो उस अहिंसा से लाख गुना अच्छा है। वो अहिंसा कायरता है, बुजदिली है। बुजदिली को इतना बड़ा फलसफा मत बनाओ, तुम कायर हो, और ये कायरता भगवान भी कभी माफ नहीं करेंगे। गीता जानते हैं क्या है? गीता हमारी सबसे पूज्य ग्रंथों में एक है, गीता, भागवत गीता। और वो एक सिपाही के लिए युद्ध के मैदान में लिखी थी और बोली थी, फॉर अ सोल्जर, फ्रॉम अ सोल्जर, फॉर ऑल सोल्जर्स। और उसका सीधा सार क्या है गीता का? क्या है गीता का सार? गीता का सार बहुत ही आसान शब्दों में कह सकता है, जब अर्जुन जैसे योद्धा ने बोला, लड़ाई में दिखाओ कौन लड़ने आया है मुझसे, तो उसने देखा उसका दादा, उसका गुरु, उसका चाचा, उसका ताया, वो सब वहां खड़े थे मरने मारने के लिए तैयार। तो उसको वैराग्य आ गया, उसने उठा के अपनी गांडी पटक दी, बोले क्या इनको मार के मैं क्या राज्य का सुख भोगूंगा। तो उस वक्त श्री कृष्ण ने दो टूट, फौजी भाषा में अगर मैं कह दूं तो क्या था सार, क्या था श्री कृष्ण के उपदेश का? अर्जुन, लड़, युद्ध कर, तू इन्हें नहीं मारेगा, ये तेरे को बेरहमी से तेरी बोटी बोटी काट डालेंगे। अर्जुन, युद्ध कर। और यही मैं आपको कहता हूं बच्चों, ये जमाना नहीं है कि आपकी गाल पे कोई एक चांटा मारे तो तुम दूसरी गाल आगे कर दो। क्यों
क्यों मार खाऊं मैं किसी से? हमारे देश में कहते हैं, इफ अ मैन स्लैप्स यू ऑन हिज चीक टर्न द अदर चीक। आपको पता है चीनी क्या कहते हैं? इफ अ मैन स्लैप्स यू वंस इट इज हिज मिस्टेक। अगर एक आदमी आपको चांटा मारता है तो उसकी गलती है। क्यों? क्योंकि आप उसके हाथ पैर नाक दांत सब तोड़ दोगे। मार के तो देख, अरे मार के देख, मैं बताता हूं तेरे को, ठीक है? बट इफ ही स्लैप्स यू ट्वाइस, लेकिन अगर आपको वो दूसरी बार चांटा मारता है और आप चुपचाप खा लेते हैं, देन इट इज योर मिस्टेक। फिर जरूर आपकी गलती होगी, आपने गलत जगह सीटी बजाई होगी, कुछ ना कुछ अनसंट किया होगा कि आप भरे बाजार में चांटे खा रहे। ये देखिए सोच में फर्क। माफ कीजिए, हम बेवजह किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम बेवजह किसी के साथ हिंसा नहीं करना चाहते, बशर्ते कि हमें चैन से जीने दिया जाए। यहां लोग हैं पार इस बॉर्डर के, आपकी स्टेट भी बॉर्डर की स्टेट है, यहां लोग हैं जो ना चैन से जिएंगे ना दूसरों को जीने देंगे, पागल कुत्ते की तरह काटते फिरेंगे। और जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसका एक ही इलाज है, उसे गोली से ठाए करके शूट कर दिया जाता। ये पाकिस्तान जैसा मुल्क पागल कुत्ते जैसा हो गया। कभी अफगानिस्तान के लोगों को काट रहा है, कभी हिंदुस्तान, कभी बांग्लादेश, ना चैन से जिएंगे ना किसी को जीने देंगे। खुद तो हम डूब रहे हैं सरब, इकोनॉमी हमारी भट्टा बैठ रहा है, लेकिन तुमको भी लेकर डूबे, तुम्हें खुश नहीं रहने देंगे, तुम्हें खुश हम देख नहीं सकते। तो भैया देखिए, चाणक्य नीति कहती है अगर कोई सज्जन है तो सज्जन जैसे व्यवहार करो, लेकिन अगर कोई उज्जत है तो टूट के पड़ जाओ, क्योंकि वो तुम्हारी माओ बहनों की इज्जत पे हाथ उठाएगा। और खबरदार किसी को आंख भी उठाने दी। अब समय आ गया है बेटा कि इस देश में अहिंसा की नहीं क्षात्र भाव की जरूरत है। मैं बहुत सोच समझ के ये कह रहा हूं, आपको साधना करनी है, आप वीर भाव साधना करिए, आप वीरों की साधना करिए। और आप जानते हैं वीर भाव साधना कहां की जाती है? शमशान भूमि में, जहां सबसे बड़ा सत्य जीवन का आप देखें, जहां लाश आग में जल रही है, चट चट करके चिंगारियां उड़ रही हैं, वहां आपको पता चल जाएगा जीवन का असली सत्य। ये सत्य है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी गीता में लिखा है, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, इस शरीर के नाश हो जाने से उस आत्मा का कुछ नहीं होता। अरे ये तो कपड़े जैसा है, ये देखा, ये कपड़ा उतार के फेंक दिया जाता है, शरीर भी उतार कर फेंक दिए जाते हैं। और एक वीर वो तो ये पूजा करता है कि हजार शरीर दे मैं इस देश को चढ़ा दूंगा, हजार शरीर दे मैं इस देश के लिए जला दूंगा, लेकिन दुश्मनों के दांत खट्टे करूंगा। ये योद्धा का जो भाव है, योद्धा की द वॉरियर टेम्परमेंट, ये हर भारतीय बच्चे और बच्ची में होना चाहिए। मेरी बेटियों, आपको आजकल डराया जाता है कि ये रेप वो रेप वो रेप, मैं कहता हूं डर तजो भय तजो। आपके नाखून हैं कि नहीं, बोलो हैं? अगर कोई तुमसे बदतमीजी करे, चाहे वो 6 फुट 5 इंच का हो, उसकी आंख लोहे की नहीं बने, सीधा अपनी ऐसे लो नाखून और चाक से उसकी आंख में डालो, आंख में, फिर दोबारा देखें कैसे किसी को तंग करता, ठीक ना? और ये आप कर सकते हैं जबकि आप डर तज दें, भय तजो। अभय दान वेदों में भी लिखा है, सबसे बड़ा दान अभय का दान है। अगर आप अभय हो गए तो आप सिकंदर बन जाओगे, हर मैदान फतेह हो जाओगे, और जिंदगी की लड़ाई में भी आप फतेह करोगे। ये डर के ऊपर काबू पाना बहुत लाजमी है, ना केवल फौजियों के लिए, ना केवल वर्दी वालों के लिए। आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको डर पड़ गया, अरे साहब कहीं फेल हो गई,
अरे साहब ये इतने कर्जे लिए हैं, बीवी के गहने गिरवी लगाए हैं, तो क्या होगा? आप जरूर फेल होगे, क्योंकि 24 घंटे आप फेलियर 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 का रट लगाए हुए, आप इम्तिहान देने वाले हो और आपको डर बैठ गया कि अरे साहब अगर मैं फेल हो गया तो मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेगा, मेरे दोस्त हंसेंगे, मेरे टीचर क्या बोलेंगे, आप फेल तो होगे। आप ये क्यों नहीं सोचते मैं ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में नंबर वन आऊंगा? अरे फिर चांद तक आप निशाना लगाओगे, कम से कम पेड़ की डालियों तक तो पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप फेलियर फेलियर फेलियर, देखिए ये समझना बहुत जरूरी है, ये प्लीज आप अगर ये सीक्रेट समझ गए जो मैं फार्मूला बता रहा हूं, आप जिंदगी में कभी हार नहीं झेलोगे, हर जगह हर मैदान फतेह करोगे। क्या है? भय को यहां से निकाल के बाहर फेंक दो। जो डर गया सो हाँ। अब समझ आया? अगर आप डर गए तो आप गए। मैं इसको समझाने के लिए आपको याद दिलाता हूं, याद करो वो समय जबकि आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, हैं? आपके आपके बड़े भाई या बड़ी बहन ने किराए की छोटी साइकिल ली ताकि आप गिरो तो आपको चोट ना लगे, आपको खुले मैदान में ले गया और पीछे से साइकिल पकड़ी और बोला बेटा पेडल 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 करो, बच्चा पेडल करो, आप ऐसे 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 करते पेडल करते गए, उसने आपको छोड़ दिया। सडनली आपने सामने देखा और एक देखा पत्थर, मैदान के बीच में खुले मैदान में एक पत्थर, और आपके मन में क्या आया? पत्थर 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 धा, आप उसी पत्थर को टकराओगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्स्ड इफेक्ट्स। व्हाट यू फेयर द मोस्ट, जिसका तुमको सबसे ज्यादा डर है वो होके रहे। तो डर तज दो। मैं लड़ाई के मैदान में एक बार नहीं अनेकों बार गया हूं, मेरे दाएं लोग मर गए, मेरे बाएं मर गए, और हमने ये देखा कि जो सबसे ज्यादा रो रहा था उसको पहले गोली लगी। अरे साहब मेरी तो पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए थी, ये CHM की मेरे से लगती थी साहब, उनने मेरी पोस्टिंग करा दी। तो हमारे वो पंजाबी में बोल रहे हैं, रोंदा आया मरने दी खबर लेके जाएगा, चू चू का मुरब्बा। और मैंने देखा गोली भी बेचारे उन्हीं को लगती थी, जो हंसते खेलते मस्करा की तरह हंसते खेलते आए वो हंसते खेलते चले गए, खरोच नहीं आई, खरोच नहीं आई। और जो बेचारे डरता डुरता ये करता गया वो ही मारा गया। ये मेरा किसी किताब की पढ़ी बात नहीं बता रहा बेटा, मैं 37 साल के युद्ध के तजुर्बे के बात कह रहा हूं, और ज्यादातर मैं इन्फेंट्री का हूं, ज्यादातर मेरी जिंदगी जम्मू कश्मीर पंजाब और पहाड़ों में निकली, और गोलियों के नीचे और गोलों के नीचे, गोले भी खा चुका हूं मैं, सिर्फ गोलियां ही नहीं चली मेरे ऊपर, लेकिन खरोच नहीं आई। हंसते जाओ, खुश रहो, निकल जाओ। डर तज दो, भय तज दो। इस देश के सब जो देवताओं की मूर्ति है उसका एक हाथ ऐसे उठा रहता है, वो पता क्या कहता है, उसको क्या कहते हैं, कौन सी मुद्रा है ये बताइए? अभय दान मुद्रा, मैं तुम्हें भय से मुक्त करता हूं। ये लो, ये बुड्ढे की तरफ से आशीर्वाद यहां के तमाम बच्चों को, भय छोड़ दो और तुम सिकंदर बनोगे, तुम विजेता बनोगे, तुम हर मैदान फतेह करोगे, फतेह और कोई चीज नहीं। एक सिपाही के लिए देर आर नो प्राइजेस फॉर रनर अप, नंबर दो का कोई प्राइज नहीं होता लड़ाई के मैदान में, इधर यू विन आई यू डाई, तीसरी कोई बात नहीं। ये हमको सैम मानेकशॉ ने सिखाया था लड़ाई 71 की लड़ाई के पहले हमारी पासिंग आउट परेड पे, वो बूढ़ा सैनिक आया था और उसने वही बोला, रिमेंबर इन वॉर देर इज नो प्लेस फॉर अ डिफीटेड सोल्जर, यू इधर विन आई यू डाई। एक हारे सिपाही के लिए कोई जगह नहीं है इस दुनिया में, जीत जीत ही सब कुछ है, तुमको जीतना है। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर ही इस वसुंधरा को भोगते हैं, और जो कायर हैं, जो मरे रहते हैं, वो अहिंसा की बातें करते हैं, वो अहिंसा की बातें करते हैं। अब वो जमाना गया, अब भारत को, अब भारत वो भारत नहीं जो 16वीं 17वीं शताब्दी में था। बच्चों ये वो भारत है जिसकी सशस्त्र सेनाओं ने 1971 में मात्र 13 दिन में पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, दो टुकड़े, 93,000 कैदी हमारी गिरफ्त में थे,
और ढाका राजधानी पे हमारा झंडा फहरा रहा था। आज वही पाकिस्तान फिर आंखें दिखा रहा है, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को फिर पंजाब में फैलाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में हम फिर अहिंसावादी बन गए। कुत्ते की दुम को आप ट्यूब में भी डाल दीजिए और बाहर निकालिए तो दुम तो टेढ़ी ही होगी ना, वही टेढ़ी दुम हम हिला रहे हैं कि शांति शांति शांति। कर लो शांति, मिल गई शांति। पिछले 30 सालों में 80,000 भारतीय टेररिस्टों ने मारे हैं, 80,000 भारतीय। ये नाली के कीड़े हैं क्या? इनका कोई जान की कीमत नहीं? चवन नहीं है इनकी जान की कीमत? ये जुलू कैटेगरी में नहीं इसलिए ये मारे जा सकते हैं और आप केवल शांति की बातें करें? अरे बच्चों, अब वक्त आ गया है महाभारत का। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हम तुमको यहां इकट्ठा किए हैं कि तुम्हें आने वाली महाभारत के लिए तैयार किया जाए, तुम्हें योद्धा का भाव, क्षत्रानियों का भाव पैदा किया जाए, इसलिए यहां बुलाया है तुमको। मरे हुए डरे हुए ये सब छोड़ दो, ये वो देश नहीं है अब, ये वो देश है जो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर सकता है। मेरी पीढ़ी ने, ये सफेद बाल वाली पीढ़ी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए हैं। और मेरा आपको आह्वान है कि अगर ये पाकिस्तान बाज नहीं आता और अगर तुमने हिम्मत है, तुमने मां का दूध पिया है, तो तुम जो बाकी पाकिस्तान बचा है उसके चार टुकड़े करो, चार टुकड़े करो, तब जाके शांति आएगी। यही गुरु मंत्र मैं आपको फिर एक बार कहता हूं, अभयता निर्भयता विजयता। जो अभय है, जो निर्भय है, वो विजेता है। हर मैदान फतेह करेगा जिंदगी का, चाहे पढ़ाई का, चाहे बिजनेस का, चाहे युद्ध का, चाहे खेलों का, चाहे स्पोर्ट्स का, हर मैदान फतेह। और कोई दूसरी चीज नहीं एक सिपाही के लिए। मुझे बड़ी खुशी है कि स्वामी जी ने इस सिलसिले को जारी रखा है और आने वाले दिनों में हजारों बच्चे और यहाँ पे आएंगे। स्वामी जी, हमें पूर्ण यक विश्वास है, हिम्मत मर्द मदद खुदा, जो हिम्मत करते हैं भगवान उनकी मदद करते हैं। और बच्चों, आखिर में मैं देखना चाहता हूं आप में कितना जोश है, आप में ज्यादा जोश है या इस बुड्ढे सिपाही में ज्यादा जोश है? बताओ किस में ज्यादा जोश है? है ओके। मेरे जब हमारी पलटने हमले के लिए जाती हैं तो एक बारी जोर कर हमारा जंगी नारा दहाड़ के बोलती है, इतनी जोर से दहाड़ती हैं कि पहाड़ से पत्थर गिर जाए और दुश्मन के दिल कांप जाए। जंगी नारे का मतलब होता है, हम आ रहे हैं सालो, हम आ रहे हैं, आ जाओ, तैयार हो जाओ, छुप के नहीं आ रहे, तुम्हारी बोटी बोटी काटने आ रहा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी करने आ रहे हैं। आर यू रेडी? अभी हम नारा बोलेंगे जो तीनों सशस्त्र सेनाओं और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस का नारा है, सब वर्दीधारियों का नारा है। बोलो मेरे साथ, जय हिंद। तुमने लंच नहीं खाया? ये आवाज इस्लामाबाद पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। एक बारी फिर से, जय हिंद। गुड, आप पहुंची। थैंक यू वेरी मच।